नमस्कार दोस्तों, मैं तेजवीर सिंह आप तक स्पोर्ट्स न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा उस महा मुकाबले के बारे में जिसका पूरे विश्व क्रिकेट को इंतजार रहता है, पूरे भारतवर्ष में उसके लिए जश्न मनाया जाता है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप मैच की। ये मैच कहाँ होगा, कैसे होगा, इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब आपको ये बताना है कि विराट कोहली और बाबर आजम में से कौन बेटर प्लेयर है। ये दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि एशिया कप में कौन सी टीम कितनी मजबूत है। तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में अब तक 14 मैच खेले गए हैं और उन 14 मैचों में भारत ने पाकिस्तान को 8 बार पटकनी दी है, 8 बार उसने हराया है, जबकि 2 मैच बेनतीजा सिद्ध हुए हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से देखा जाए तो भारत हमेशा से एशिया कप में पाकिस्तानी टीम पर भारी रहा है। वैसे भी अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप में भी भारत हमेशा से पाकिस्तान पर भारी रहा है। और उनके बीच में अब कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है, भले ही वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हों लेकिन दिल से एक दूसरे को हराने का दम रखते हैं और वो हमेशा से उनके खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं। अगर हम मैं बात करूं खिलाड़ियों की तो सबसे पहला नाम आता है मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का, जो पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा ही अच्छा प्रदर्शन किया है। दूसरा वैसा ही नाम है भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है। वैसा ही तीसरा नाम है रोहित शर्मा का, जो रोहित शर्मा भी हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और बात करते हैं हम विराट कोहली की, तो विराट कोहली ने भी हमेशा, और बात की जाए रनों के बारे में तो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। भी रन बनाने खिलाड़ियों में दूसरे नंबर में जो देश आता है वो श्रीलंका है। श्रीलंका की तरफ अगर हम सबसे ज्यादा एशिया कप में रन बनाने की बात करें तो उसमें सनत जयसूर्या का नाम आता है। वैसा ही एक दूसरा नाम श्रीलंकाई बल्लेबाज कुमार संगकारा का आता है, जिन्होंने ही एशिया कप में रनों की धूम मचा दी थी। वैसे ही एक पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा ने भी बहुत बेहतरीन पारियां खेली हैं और एशिया कप में टॉप रन बनाए हैं। और चौथे नंबर पर आते हैं महिला जयवर्धन ने भी रिकॉर्ड रन बनाए हैं और श्रीलंका को एशिया कप दिलाया है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो सिवाय शोएब मलिक के अलावा कोई भी बल्लेबाज अच्छे रन नहीं बना पाया है। दोस्तों, अगर बात करें भारतीय टीम की तो इस समय भारतीय टीम विश्व की नंबर टीम गिनी जाती है। और मैं बात करता हूं एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच की, तो इसकी मीटिंग 4 फरवरी को क्लियर होनी है। उसमें बताया जाएगा कि भारत और पाकिस्तान का मैच किस न्यूट्रल जगह पर होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आपको इस सवाल का जवाब मिल गया हो कि विराट कोहली और बाबर आजम में से कौन अच्छा है, तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। नमस्कार।